का वीडियो होने वाला है लास्ट रूम के बारे में। तो हम लोग स्कूटी से ही जा रहे थे सेमनियाक टू उबुद, और दोनों का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 42 किलोमीटर्स है। एंड बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट करना भी इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज एग्जॉस्ट हो जाओगे। मतलब सुबह सुबह जाते ही एनर्जी ही नहीं रहेगी। तो ऐसे ही सर्किल कैसे कॉफ़ी ले ली या कुछ खाने को ले लिया या फिर नॉर्मल जूस या ड्रिंक्स ले लिया, ऐसे कुछ करते हुए हम लोग पहुँच रहे थे। एंड फिर पहुँच गए अलासरम। इधर जाते ही ना आपको टिकट काउंटर मिलेगा, वहाँ से आपको टिकट्स लेने, लाइक वन पर्सन के कुछ तो अमाउंट था टिकट का, आई थिंक 50,000 आईडीआर। एंड उसके बाद फिर आपके ना बैग्स वगैरह भी चेक होते हैं टिकट काउंटर के बाद, क्योंकि अंदर वाटर बॉटल और ये सब ले जाना अलाउ नहीं है। हम लोग आ गए होटल से ब्रेकफास्ट वगैरह करके। तो हम लोग सेमनियाक में स्टे कर रहे हैं। लास्ट नाइट हम लोगों ने सेमनियाक में चेक इन कर लिया था होटल से चेकआउट करके, बट मैंने कुछ भी नहीं बताया था लास्ट नाइट, लाइक रूम टूर, होटल टूर, वो सब को मैं आई थिंक इस वीडियो के एंड में या फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में दूंगी। यहाँ से जाने के बाद तो हम लोग डायरेक्ट सेमनियाक से यहाँ तक ड्राइव करके आए स्कूटी, तो बहुत हेक्टिक हो गया। लाइक हमको ऑलमोस्ट 1.5 घंटा या 2 घंटे मान लो ट्रैफिक वगैरह का मिला के इतना टाइम लग गया है। तो अभी बज रहे हैं 11:15। हम लोग होटल से 9:15-9:30 के समथिंग निकल गए थे। और यहाँ पे क्या एंट्री टिकट्स है 50,000 पर पर्सन IDR में, नॉट INR में। तो वो एंट्री वगैरह हुई थी, उसकी क्लिप मैं अभी ऐड कर देती हूँ सारी, जो भी प्रोसेस था वो सब। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पे एंट्री लेके इधर आए। बाकी इधर टॉयलेट्स भी अवेलेबल है, सो जस्ट फ्रेशन अप व्यू है। और बाइक इतनी चलानी पड़ती है ना यहाँ पे कि देखो पूरा टैन हो रखा है। ये टैन है, टैन के सन बर्न हो चुका है मुझे, रेड रेड रेड, प्लीज लाइक क्या ही बोलूँ। और आवाज़ कैसी आ रही है जैसी पहले से कॉपरेट करना, क्योंकि मैं माइक यूज़ नहीं कर रही हूँ उस टाइम पे। इसके अलावा अभी हम लोग जा रहे हैं बाली स्विंग, जो भी यहाँ पे फोटोजेनिक स्पॉट है उधर, लाइक फ़ोटोज लेने के लिए और वो सब। बाकी आज की आइटनरी भी काफ़ी बड़ी है, लाइक अलासरम के बाद हम लोगों ने सोचा कि ATV राइड करें, उसके लिए भी जाएंगे। बाकी यहाँ पे एक वाटरफॉल है, 2-3 है, बट हम लोग एक ही एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि वापस से कल इतनी दूर आ नहीं सकते हैं, काफ़ी दूर हो जाता है, लाइक 40 किलोमीटर है हमारे होटल से ये वाली जगह। इसलिए तो लेट्स सी कि आज कितना कवर हो पाता है या कितनी सारी जगह हम एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो सब कुछ जल्दी जल्दी ही ख़त्म करना है। और बहुत सुंदर है यार ये भी, बट टूरिस्टिक है, लाइक बहुत टूरिस्ट है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है, बट मज़ा आ जाएंगे। जैसे आप अलासर में एंट्री करोगे ना, आपको सबसे पहले मिल जाएगी लुआक कॉफ़ी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो, और जिस एनिमल से लुआक कॉफ़ी बनती है वो एनिमल एंड ये पूरा प्रोसेसर बताएंगे, कैसे कॉफ़ी बीन्स मतलब उनको पहले खिलाए जाते हैं, फिर उसके बाद वो पोटी के थ्रू निकालते हैं। लाइक देख सकते हो ये उनकी पोटी है, मतलब उनको कैरेट्स और कॉफ़ी बीन्स वगैरह खिलाया जाता है। एंड ये फिर कॉफ़ी बीन्स है जो उससे अलग करते हैं उनकी पोटी से ना, मुझे बोलते हुए भी इतना अजीब लग रहा है, आई डोंट नो कैसे ही लोग ये वाली कॉफ़ी पी लेते हैं। फिर इनको पील ऑफ किया जाता है, देखो पूरा प्रोसेस समझाते हैं, और इसका कोई कॉस्ट नहीं होता क्योंकि वो एंट्री में ऑलरेडी आपके चार्जेस ले लेते हैं। फिर पील ऑफ करने के बाद में ऐसा कुछ निकलता है, ये मतलब वॉश करते हैं इसको बार बार, फिर रोस्ट करने के बाद में इसको कूटा भी जाता है, पाउडर बनाया जाता है। एंड यस, फिर आप वहाँ परचेज भी कर सकते हो, एंड यहाँ पे ना आप खुद भी कूट सकते हो। लाइक अभी पूरा प्रोसेस है देखना है, ये बोल भी रही है इसमें। The normal coffee 8% for the caffeine, normal. And then the luwak coffee 0.5% for the caffeine. Yeah, the aroma is different. The aroma is different. Yeah. So we said the luwak coffee, we have the some flavor mix for the tea and coffee. So they just eat then, the beans directly, and it remains in their stomach for some time. Yeah. And then they poop, and you extract that beans out of their poop. Yeah. And then the dry. And then they wash by hot water until it becomes until yeah, yeah, this becomes this, yeah. And then they open. Then you just rinse it again. This is for the beans. And then they wash by normal water until the clean final product comes in. ना कंफ्यूजिंग है, इतना चलना पड़ेगा, इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं और रास्ते बस सब इधर उधर इधर उधर, बहुत सारी गलियाँ निकल रही है, बहुत कंफ्यूजिंग है। चलो मैं यहाँ से व्यू दिखाती हूँ आपको, बहुत ही मस्त आ रहा है, एकदम मज़ेदार। एंड ये वाला फेमस पूल भी अलासरम में ही है, एंड यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू आता है,
पूरे अलाजरम का। और जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे ना, बहुत ही अप्स एंड डाउन वैसे आता है। एवरी स्पॉट इज फोटोजेनिक, जहाँ पे जा रहे हैं ना, इतनी सुंदर सुंदर जगह है फोटो के लिए, बहुत मज़ेदार है। और यहाँ पे बहुत सारे स्विंग्स है, बहुत ज़्यादा, एंड ऐसे लाइक जो बर्ड नेस्ट होते हैं और ये सब भी छोटे छोटे बने हैं, वहाँ भी जाके आप फोटोज़ कैप्चर करवा सकते हो। और प्राइजेस क्या है ये सब आपको आगे आगे वीडियो में पता लग जाएगा, क्योंकि अभी तक मैंने भी प्राइजेस और इनके बारे में इतना कुछ पूछा नहीं है किसी से भी। जस्ट अभी मैं नीचे जा रही हूँ, रहते इतना प्यारा सा ब्यूटीफुल सा व्यू आ रहा है ये वाला पूरा, तो हम लोग बस उधर जा रहे हैं। वहाँ बहुत सारे स्पॉट्स हैं, उधर पिक्स वगैरह कैप्चर करवाते हैं, फिर उसके बाद बाली स्विंग के लिए जाएंगे, फिर बाली स्विंग करना है उसके बाद। पहले एक बार जो नॉर्मल स्पॉट्स है ना फोटोज़ के लिए या फिर ऐसे एक्सप्लोर करने के लिए, वो सब करते हैं, फिर उसके बाद में बाली स्विंग। एंड देन जो वो बहुत ही वर्ल्ड फेमस इन्फिनिटी पूल है यहाँ पर, इसमें जाएंगे। सो आई थिंक से पहले इधर चलते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रास्ता है, सब तरीके से ना रास्ता निकल रहे, सीढ़ियाँ निकल रही है इधर से इधर से इधर से, मतलब आप कन्फ्यूज हो जाओगे पहले किधर जाएं और किधर जाके लाइक कौन सी जगह एक्सप्लोर करें। बहुत बड़ा है ये, ये इसका एग्जिट है। चल रहे है क्या अपन? गहरा तो नहीं है ये, इसका मतलब एंट्री पॉइंट है। और या इसके इधर की साइड इसका एग्जिट पॉइंट है। ये रहा, पता है क्या हुआ है, मेरे आईफोन का स्पेस फुल हो गया है, पता नहीं आज वाला कंटेंट भी पूरा कैसे आ पाएगा, देखती हूँ क्या होगा। मतलब आज आज का आ जाए यार, रात में होटल में जाके कुछ ना कुछ तो मैं जुगाड़ कर ही लूँगी, लाइक कौन सा कंटेंट डिलीट करना है, या अभी इतना टाइम नहीं है, बस हो जाए। होप सो। ये देखो YouTube थंबनेल के लिए क्या क्या किया जा रहा है, मतलब मस्ती तो फुल ऑन है इतनी धूप में भी। कौन बेटा है भाई, कौन है ये, कौन है ये, कौन है ये? और इस इंसान को देखो थक हार के कैसे बैठ चुका है। भाई साहब बहुत धूप है, अब गर्मी है और ऊपर नीचे बाली स्विंग तो है ही, और खुद भी स्विंग है ये। गर्मी बहुत है गाइस, कम एट योर ओन रिस्क। पास से दिखाती हूँ बाली स्विंग के नज़ारे, ये देखो वीडियो में काफ़ी कम आया, बट हमें ये एक्सप्लोर करते करते ऑलमोस्ट 1.5 आवर हो गए थे। उसके बाद हमने सोचा क्यों नहीं एक बार बाली स्विंग कर ले, फिर उसके बाद जितना टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लोर करेंगे, और फिर यहाँ से ATV राइड के लिए जाएंगे। तो मैं आ गई थी यहाँ पे बाली स्विंग के लिए पूछने और ड्रेसेस वगैरह डिसाइड करने। सो मैंने चेंज कर लिया है जो इनकी लॉन्ग ड्रेस है इसमें, और उसके साथ ही एंजल सिंगल बेड स्विंग वो मैंने बुक किया है, क्योंकि वो मुझे काफ़ी सही लग रहा था एंड सुपर एक्सट्रीम था, तो मैं नहीं जाना चाहती थी, मुझे डर लग रहा था उस पर। बहुत गर्मी है यार, और ये लोग ना बिल्कुल पागल नहीं करते, मतलब ड्रेस एंड स्विंग दोनों के मिला के ऑलमोस्ट 3,000 रुपये हो गए। हाँ मतलब INR में 3,000 रुपीज़ लगे हैं, तो इसका बहुत सारी फोटोज़ लेके वर्थ इट करना है कि हाँ लाइक 3-4 लगे ना, तो 2-3 फोटो की काफ़ी सारी फोटोज़ वीडियोज़ बनाएंगे इस ड्रेस में। एंड यह मैंने लिया पिंक ड्रेस, मेरा फेवरेट कलर है, तो मैं इसी में लूँगी, और थैंक गॉड कि इस कलर में ड्रेस अवेलेबल थी, अदरवाइज यहाँ पे ना जो कलर आपको चाहिए वो अवेलेबल नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी कर रखी है लाइक पैसे कमाने के लिए, बहुत ज़्यादा थकाते हैं इधर उधर डुलाते हैं टोकन के लिए ड्रेस के लिए, और ये जो है स्विंग के लिए। उसके बाद इतने ज़्यादा आप एग्जॉस्ट हो जाते हो ना कि आप इनके पास में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, वहीं आपको बैठने के लिए भी जगह देंगे, तो आप कुछ ना कुछ ऑर्डर कर ही लोगे, तो अभी बहुत प्यास लग रही थी। इवन दैट हमारी वाटर बॉटल भी है ना इन लोगों ने रख ली है, बिल्कुल नहीं दिए हैं बाहर जब एंट्री कर रहे थे सिक्योरिटी चेक इन में वहीं पर ही, सो हम वो भी नहीं ला सके, तो प्यास लग रही थी इतना धूप में घूम रहे थे, तो जस्ट एक वाटर बॉटल ली है। एंड
weather presentation is good. Can you see over here? We got it with ice. The glass was full of ice and we just poured this water bottle in it. So it's like we are having some whiskey vodka or something, but it's a pure water. It's a crystal clear water. But this is for almost 60k around and so what? 35 to 45k, which is around like 125 rupees INR. And उसके लिए हमने स्मूदी ऑर्डर करी है विच इज़ फॉर 60 के और मे बी 300 या मोस्टली 300 रुपीज़. सो बस इतना ऑर्डर किया है ताकि खाने का तो कुछ मन नहीं है, ड्रिंक हो जाएगी ना इतनी गर्मी में, वो ही बेस्ट है. मेरा स्विंग का एक्सपीरियंस हो गया यार, क्या बताऊँ, बड़े मजे आए. स्टार्टिंग में जब पहली बार ऐसे गई ना तब तो हल्का सा डर लगा, बाकी बाद में सब नॉर्मल हो गया था. मतलब मैंने बाली स्विंग कर लिया, कैन यू इमेजिन, पिंगी. बहुत मजे आए, बहुत मजे आए. और वीडियो मैं सेट करती थी, अभी देखो मेरा वीडियो, फोटोज नहीं ले पाए. वीडियो एंड फोटोग्राफी के ये लोग अलग ही नाटक है. लाइक इनको 2.5 लाख रुपये IDR के दो अलग से, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1300-1400 रुपीज़ दो इनको INR में, तब जाके आप ये फोटो वीडियो करेंगे. बहुत सारी फोटोज वीडियोज के बाद में अब मैं ड्रेस रिटर्न करने वाली हूँ. उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ का जो फेमस इन्फिनिटी पूल है, स्टार ऐसा कुछ नाम उसका, वहाँ पे. एंड आई डोंट थिंक, क्योंकि आज एटी भी रेडी होगी, ऑलमोस्ट तीन तो यही बच चुके हैं स्विंग मैन एंड ऑल ऑफ दैट. मतलब अला सारा माओना तो बहुत सारा टाइम लेके आना, मतलब बहुत टाइम लगता है, बहुत ही बड़ा ही. ड्रेस मैंने वाली रिटर्न कर दी है और पूरा पैसा तो नहीं वसूला, थोड़ी बहुत फोटोज खींचे, बट ओके. अभी हम जा रहे हैं पूल इन्फिनिटी. अलासरम के बाद हम लोग चले गए थे ATV राइड के लिए. इन लोगों ने हमें कोई जगह सजेस्ट करी थी, वहीं गए थे हम लोग, अलासरम की ब्रांच थी. बट हुआ ऐसा कि ऑलमोस्ट 3:30 या 4 हो गए थे, उसके बाद में वो कोई भी ATV राइड के बेचेस नहीं लेते क्योंकि डार्क होने लगता है. तो हम लोग ATV राइड नहीं कर पाए और वापस से होटल आ गए थे. मतलब जैसा प्लान किया था वैसा कुछ नहीं हुआ था, ना वाटरफॉल जा पाए ना ATV राइड कर पाए, क्योंकि वाटरफॉल भी 5 या 6 के अराउंड क्लोज हो जाती है और वहाँ से वो ऑलमोस्ट 1 आवर का तो टाइम बता ही रही थी. इसीलिए होटल आ गए थे. एंड दिस इज़ लाइक होटल टूर. मैं आपको जो सॉर्ट ऑफ दे रही हूँ, ये हमारा ब्रेकफास्ट एरिया था जहाँ हम लोग ब्रेकफास्ट करते, क्योंकि होटल चेंज किया है ना अभी सेमनियाक में, दूसरा होटल का नाम होराइजन होटल. लेट मी गिव यू रूम टूर. तो एंट्री करते ही वॉशरूम आता है, ये सिंक एंड दिस इज अ बिग मिरर एंड उसके साथ ही बाथिंग एरिया. एंड उसके बाद में यहाँ आ जाएगी अपनी कॉफ़ी के लिए एंड केटल एंड वाटर एंड एवरीथिंग. फिर साइड में है ये छोटा सा कंपार्टमेंट, ये छोटा सा स्पेस फॉर लोकर और लगेज रखने के लिए. देयर इज अनदर स्पेस फॉर द लगेज जहाँ हमारे सूटकेस और बैग ये सब पड़ा है, नीचे स्लीपर्स हैं. उसके बाद ये टीवी जो कि कोई नहीं देखता, ठीक है. और यहाँ मिनी फ्रीज, डस्टबिन, सेम जैसा पहले वाला रूम था, काइंड ऑफ लाइक दिस. ये हाँ, ड्रेसिंग एरिया, काइंड ऑफ मेकअप वगैरह कर सकते हो और वो सब. फिर ये छोटा सा काउच जिस पे मैंने अपने कपड़े डाल रखे हैं सुखाने के लिए. एंड देन ये है हमारा बेड, सेम वैसा ही, बट इसमें ये है कि वैसे बालकनी व्यू नहीं है. सो बालकनी तो है बट उतना अच्छा बालकनी व्यू नहीं है. सो जस्ट ए स्मॉल बालकनी. ये होटल का है बैग वाला पार्ट है, इधर भी रूम्स वगैरह हैं सोया. एंड उसके अलावा अगर आपको और अच्छी लाइक धूप चाहिए या फिर लाइट चाहिए तो आप ये वाली विंडो भी ओपन कर सकते हो. इससे क्या है, पूरे रूम में बहुत अच्छी लाइट आ जाती है, लाइक एकदम डल और बेकार सा नहीं लगता. सो या दिस इज़ आर सेकेंड रूम, लाइक दिस इज़ आर होम फॉर 3 डेज. तो कल रात में हमने चेक इन कर लिया था, तो आज कल और परसों में चेकआउट करना है ये वाला. एंड उसके अलावा आप मेरी शक्ल में मत जाना, मतलब आज जो हमारा उबुद जाने का डिसीजन था, लाइक वर्स तो नहीं होगा बट इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है. उसके पीछे रीज़न था कि हम लोग पहले तो उबुद गए
अलासरम, और वहीं से हमको ना बहुत लेट हो गया था, लाइक 3 अप्रोक्स हो गए थे। एंड उसके बाद हमको ATV राइड करनी थी, वहाँ पे गए तो हमने बुकिंग नहीं करी थी, हमने सोचा वहीं जाके मिल जाएगी, मैंने कुछ ब्लॉग्स देखे थे उसके थ्रू, बट वहाँ जाके ना स्लॉट्स ही नहीं थे और जो थे ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। लाइक क्लुब पे वो इजीली 2500-3000 में मिल जाता है, वहाँ मिल रहा था हमें 5000 अबाउ, तो डबल पैसे से लाइक हमें वर्थ इट ही नहीं लगा। फिर उसके बाद दूसरी लोकेशन पे गए ATV राइड की, तो वहाँ भी वो बंद हो चुकी थी, लाइक वो लोग है ना 3:30 के बाद कोई भी स्लॉट्स नहीं लेते, तो फिर हम लाइक उसके चक्कर में 12-13 किलोमीटर का एक्स्ट्रा है ना चल चुके थे स्कूटी से, और पहले ही यहाँ से वो 40 किलोमीटर से इतना चला के गए थे। फिर वापस से आए और जस्ट अभी आए तो हम लोग 3 बजे से लेकर अभी तक जस्ट बाइक पे घूम रहे हैं। उसके साथ एक और बहुत बड़ा एडवेंचर हो गया, लाइक ATV एडवेंचर तो क्या करेंगे, हमारे जीवन में ही एडवेंचर लिखे हैं। हुआ हमारे साथ ऐसा कि सिम हमने एक ही ले रखी जो कि सौरव के फ़ोन में, मेरे फ़ोन में कोई सिम नहीं है, मैं सिम का हॉटस्पॉट यूज़ करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बाहर मैं नेट यूज़ ही नहीं करती हूँ, सिर्फ होटल में होती हूँ तब वाई फाई होता है या कभी फ्री होता है तो उससे हॉटस्पॉट ले लेती हूँ। तो फ़ोन में बैटरी डाउन हो गई, क्योंकि वैसे तो 100% के लिए गए थे पर 40 किलोमीटर से पहले गए, बट 12 किलोमीटर की पहले अलग लगी। फिर उसके बाद में वापस आए तो आईफोन इतना ही चलता है, हमारे पास पावर बैंक है नहीं, तो फिर वो डेड हो गया। और कैसे है गूगल मैप्स, तो ये था कि जस्ट मैंने अपने फ़ोन में हॉटस्पॉट ऑन करके गूगल मैप डाउनलोड करा, मतलब जब फ़ोन की बैटरी 1% थी तो डाउनलोड भी नहीं हो रहा था, मुझे डाउनलोड ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। तब ऑलमोस्ट हम लोग 10 किलोमीटर दूर थे होटल से और फोंडेड, और फिर हम बस ऐसे ही पूछते पूछते गली वगैरह देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए। फाइनली 5 बज गए, 2 घंटे से हम बाइक पे हैं, 2 घंटे से थक चुके हैं बहुत गंदे वाले, बट फिर भी कोई नहीं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं उसके बाद में मैं जाऊँगी। आज का पूरा प्लान ख़राब हो गया, ना वाटरफॉल हुई ना ATV राइड हुई, अब कल का ही दिन हमारे पास लास्ट है क्योंकि परसों वापस से हमारी फ़्लाइट है, तो कल देखते हैं क्या क्या हो पाता है। और कल है हमारी 2nd मैरिज एनिवर्सरी एज वेल, तो कल का प्लान इसके अकॉर्डिंग करना है अभी। और वैसे भी कल का प्लान तो हमने ऐसा कुछ बनाया नहीं था, चिल डे रखा था, तो आई थिंक ये दोनों भी हम कल इंक्लूड कर सकते हैं। एंड अभी मैं जाऊँगी हमारे होटल के जस्ट पीछे ही है 666 बीच, जो बहुत फेमस है सेमनियाक में, उस पर जाके चिल करेंगे, सनसेट देखेंगे और खाना वाना खाएंगे, उसके बाद वापस से होटल आ जाएंगे। बस अभी यही आइटनरी है, लाइक पूरा ऐसा नहीं होता कि जो आइटनरी आप बना के आओ वो एकदम से फॉलो हो पाएगी आपकी, बिगड़ती, और हमारी तो ऑलमोस्ट डेली ही कुछ ना कुछ बिगड़ ही रहा है आइटनरी में, मतलब परफेक्टली तो बहुत कम हो रहा है, तो लेट इट बी, इसी को बोलते हैं चिल करना। लाइक ठीक है, ट्रिप्स ऐसे ही होती है जब आप बिना किसी पैकेज के खुद से आते हो तो कुछ चीज़ रहती है, कुछ चीज़ हो जाती है, और हमारे पास डेज भी काफ़ी कम है, तो उबुद हम लोग ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए, सिर्फ अलासरम जा पाए, उससे ज़्यादा तो एक्सप्लोर नहीं कर पाए, ना वहाँ के आर्ट मार्केट में गए, ना कुछ नहीं हो पाया। लाइक आज का दिन में सिर्फ अलासरम ही हुआ, तो अभी उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करना कि सिर्फ है ना उबुद में जिस दिन अलासरम जाओ ना उस दिन सिर्फ 1 या 2 ही चीज़ रखना, उससे ज़्यादा मत रखना, नहीं हो पाएगा यार, बहुत थक जाते हो। उसके अलावा आप उबुद जब भी जाओ ना तो आप स्टे ही ले लेना 1 नाइट का उबुद में, या जो भी आप 2 नाइट का उधर, क्योंकि यहाँ से जाना बहुत टाइम हो जाता है, लाइक बहुत एग्जॉस्ट हो जाओगे, थक जाओगे। लाइक अभी आते टाइम तुमको इतना एग्जॉस्टेड नहीं लगा क्योंकि अभी वेदर ठीक है, लाइक क्लाउड्स आ रखे हैं, सन इतना हार्स नहीं, पर सुबह जा रहे थे तब बहुत थक गए थे, बहुत सन था, बहुत ज़्यादा सन था, बहुत एग्जॉस्टेड हो चुका था सब कुछ। तो आप हम लोग उबुद में नहीं रुके, आप ट्राई करना कि आप उबुद में ही रुको तो ही बेस्ट होगा, बट कोई नहीं। हेलो, तो अभी हम आ गए हैं 666 बीच पर, और जैसे कि डेली हो रहा है सनसेट होता है और बदल हो जाता है, वैसा ही कुछ अभी हुआ है, सनसेट इज हैपनिंग बट सनसेट नहीं दिख रहा है, क्या ही मतलब निकल रहा है यार यहाँ आने का, सनसेट तो हम देख ही नहीं पा रहे, बिल्कुल ही नहीं देख पा रहे। कोई नहीं, जो भी अब ठीक है, बीच पे एंजॉय तो कर ही सकते हैं, बहुत चिलिंग। अगर आप गोवा गए हो ना तो वहाँ पे रात में हो जाता है ना साइड में, लाइक जो भी छोटे छोटे रेस्टोरेंट कैफेज होते हैं, लाइटिंग हो जाती है, लाइटिंग हो जाती है और वो जो सब होता है वैसा कुछ हो रहा है मतलब यहाँ पे, तो इट्स लाइक बागा बीच बट इन प्रीमियम सेगमेंट, प्रीमियम सेगमेंट, या यू कैन से बागा इज चीप, तो अच्छा लग रहा है। मतलब जैसे जैसे रात होगी वाइब अच्छी होती जाएगी, पार्टी वाली वाइब हो जाएगी। Till then, you can enjoy the beach!
सनसेट के बाद में यहीं पे कुछ बीच कैफे बने हुए हैं, वहीं हम बैठ गए थे। यहाँ पे एक फायर शो हो रहा है, ये एंजॉय किया एंड फिर थोड़ा बहुत फूड ऑर्डर कर लिया था, मतलब डिनर भी फिर हमने वहीं कर लिया था, कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। वेज ऑप्शंस थे, लाइक पिज़्ज़ा था, पास्ता था एंड ड्रिंक्स वगैरह भी थी, लाइक मोहितो एंड ये सब। काफ़ी टाइम तक 9 बजे गए थे आराम से यहीं पे। फिर उसके बाद में हम लोग ऐसे ही सेमिनार एक्सप्लोर करने निकले थे एंड फिर हमें ये वापस से इटालियन आइसक्रीम पार्लर मिला एंड हम लोग मिस नहीं करते आइसक्रीम खाना, तो अगर वेकेशन पे जाते हैं तो। फिर यहाँ से भी हमने कुछ आइसक्रीम्स ट्राई करी, जो भी इनकी स्पेशल आइसक्रीम्स थी वो सब। एंड उसके बाद एक कोकोनट एंड चॉकलेट एंड अनदर वन इज़ ब्लूबेरी आई थिंक सो, उसका एक मिक्स टब बनवाया था। एंड दिस इज़ ऑल्सो सो यम। हम आ गए हैं बाहर से, पूरा एक्सप्लोर करके आ गए सेमिनार में, बहुत आगे तक गए थे, पूरी वहाँ की स्ट्रीट मार्केट देखी और सब कुछ। शॉपिंग वॉपिंग कल करेंगे, आज कुछ नहीं किया, जस्ट लास्ट में वो जिलेटो आइसक्रीम खाई थी। उसके बाद में सर्किल के गए थे, सर्किल के से कुछ स्नैक्स लेते, चिप्स लाइक एंड पानी की बोतल, क्योंकि हमारे होटल वाले इतने बेकार हैं, सिर्फ 2 वाटर बॉटल दे रहे हैं हमको पूरे दिन में, तो फिर ये हम बड़ी बड़ी वाटर बॉटल लेके आए। एंड ये एक बॉटल है 6000 IDR की, काफ़ी रीजनेबल है सर्किल के में, अदरवाइज़ बाहर से लेते हैं तो बहुत महंगा मिलता है। मतलब यहाँ के मार्ट है जो बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे कॉफ़ी भी मिल जाती है आपको, लाइक बना के दे देते हो साथ साथ, तो वो भी 15K 20K, बहुत रीजनेबल प्राइस में सब कुछ मिलता है, बहुत ज़्यादा। तो अगर आप बाली आ रहे हो तो सर्किल के या फिर एम मार्ट या फिर इंडो मार्ट करके भी है यहाँ पे एक, वहाँ पे जा सकते हो, वहाँ से काफ़ी रीजनेबल प्राइस में काफ़ी अच्छी अच्छी लाइक खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी सस्ते में ही। एंड उसके अलावा एक और अपडेट देनी है मुझे, लुक एट हियर, मेरे सनबर्न हुआ है, ये तो आप लोगों को पता है ही, लाइक बहुत ज़्यादा स्किन वगैरह ख़राब हो चुकी है। चीक्स पे देखो इधर पूरा, ये पूरा ऐसे मतलब बहुत ही गंदा गंदा सा लगने लग गया है, अजीब सा ही। नोज़ तो एकदम ख़राब हो गई थी यहाँ फोरहेड पे, बट सबसे ज़्यादा नोज पे इफेक्ट हुआ था, और नोज से तो अब स्किन पील ऑफ होना भी स्टार्ट हो गई है। लुक एट हियर, द स्किन इज़ पीलिंग ऑफ फ्रॉम हियर, लाइक इतना पहन कर रहा है ये टच करने में भी, और इतना गंदा लग रहा है, क्या पता अब कल की फ़ोटोज़ का भी क्या होगा। और मतलब मेकअप भी नहीं कर सकती, मतलब बहुत ही गंदा सा लग रहा है ये स्किन पीलिंग जो हो रही है, और मुझे पता है जहाँ जहाँ से भी बर्निंग हुई है ना पूरी बॉडी पे, सब जगह से होने वाला है ये। तो मज़े करने तो कर लिए, अब जैसे जैसे इंडिया जाने की बात आ रही है ये सब चीज़ें हो रही है, और अब कंडीशन भी ख़राब होने वाली है मुझे लग रहा है ये, कि अब स्किन पीलिंग भी हो गई, सब कुछ होने वाला है एक दो दिन में। सो लेट्स प्रे फॉर बेस्ट कि ये सब कुछ ना हो, बस ऐसे टैनिंग रहनी है, चाहे 1 महीने रह ले चले जाए फिर, बट ये स्किन पीलिंग वगैरह ना हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, आज मैंने अलासेराम और ये सब चीज़ बताई थी, और अब उसके बाद जस्ट लास्ट फाइनल व्लॉग आएगा, वो आएगा कल, क्योंकि कल हमारा लास्ट है, परसों तो हमें वापस से जाना ही है, परसों हमारी फ्लाइट है इसलिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग, और अगर आप अभी तक ये व्लॉग देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं कल लास्ट वाले व्लॉग में, फाइनल व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर।